नोएडा के फिल्म सिटी में स्थित मार्वल स्टूडियो में 3 दिवसीय 14वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन के दूसरे सत्र की शानदार शुरुआत गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलित करके की गई। बता दें कि ये सत्र बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर राज कपूर को समर्पित थी। नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक और ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि फिल्म मेकिंग करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, नदी पहाड़ कंकड़ पत्थर सब पार करना पड़ता है, तब जिंदगी हसीन कहलाती है और इसी तरीके से सिनेमा हसीन कहलाता है। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि तन मन धन मान मर्यादा इज्जत शोहरत सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, तब जाकर आप एक फिल्म बना पाते हैं। You get into the middle of the sea, आप एक किश्ती में सवार हो जाते हैं, दो चप्पू ले लेते हैं और फिर समुद्र की उन गहराइयों से और उठती हुई लहरों से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझसे भिड़ अगर भिड़ सकती है। दिस इज वॉट फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस द अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर बाउंड टू बिकम इन लास्ट 40 years being associated with more than about 7,000 visual programs, I have yet to see a program which has emerged without any hassle, because filmmaking is nothing but a replica of a real life. How beautiful your life may be, you're bound to suffer, you're bound to go through unforeseen circumstances, you have to aapko nadi nale pahad kankar patthar roda sab paar karna hi padta hai। इस कार्यक्रम में फेस्टिवल ऑफ डायरेक्टर अशोक त्यागी ने ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताया। दिग्गज डायरेक्टर राहुल रवेल, सिंगर अखिल सचदेव, मिस्टर रोमन मसारिक चार्ज डी अफेयर्स, एम्बेसी ऑफ द सीजैक रिपब्लिक, कल्चरल काउंसिल, ईरान कल्चर हाउस, डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी, डेप्यूटी हेड ऑफ द मिशन हाई कमीशन ऑफ द गाम्बिया मिस्टर लैमिन सिंगाते, मोरक्को के राजदूत महामहिम मोहम्मद मलिकी, एक्ट्रेस पायल घोष, एक्ट्रेस गरिमा भंडारी मौजूद रही। अगर लोग इसलिए उनके पास आ रहे थे दूसरे कंट्रीज में कि उनका राज साहब से रिलेशन रहा है, शायद वो लगते भी हैं राज साहब की तरह। मुझे ऐसा लगता है कि झलक है राज साहब की आपके अंदर, आपकी शक्ल भी ऐसे, आपके एक और एक शाम आपकी शक्ल बहुत मिलती है राज साहब से, मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ। एक कुछ तो है मतलब बात। सो एक बार प्लीज थोड़ी सी जोरदार तालियां हो जाए। Well, I'm privileged right now I'm here. सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर काफी मुझे पता चला म्यूजिक के भी स्टूडेंट्स हैं, म्यूजिक फ्रेटर्निटी से भी हैं। और मैंने जब जर्नी शुरू करी आई वॉज अ बॉय नेक्स्ट डोर फ्रॉम नोवेयर, एक मिडिल क्लास फैमिली से, बट आंखों में सपने भी नहीं थे, बट मुझे लगता है कि एक जुनून हद से ज्यादा ही था और उसी जुनून से मैं आज भी अपने काम को करता हूँ। और इसलिए विदाउट हैविंग एनी गॉडफादर आई हैव मेड इट फ्रॉम द स्क्रैच आई स्टार्टेड। और मुझे पहले दिन से आप सबका प्यार मिला रहा। 12 साल हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में मुझे 5 साल हुए। मैंने जितने गाने गाए, कंपोज किए, बनाए, मुझे सारे अवार्ड से नवाजा गया और आज मुझे एक और बार इस सम्मान के लिए बुलाया गया। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ। और इसमें इतना बोलना चाहूँगा, आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया की जनरेशन है। जितनी हंसी मुलाकातें सभी प्यारी तेरी बातें, बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आओ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है, सुन मेरे हम सफर। सब गाएंगे। क्या तुझे इतनी सी भी खबर, रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर है, ओ मुस्कुराना भी तुझे से सीखा है, ओ दिल लगाने। Once again, I take this opportunity to thank
Sandeep Marwa ji and all the other dignitaries, distinguished people who are present here, all the students, everyone. It feels wonderful to be here sitting in this forum and be able to share whatever I have imbibed through my knowledge. And congratulations on the book launch, Rahul ji and Sandeep ji. This reminds me of the magnanimous character of Raj Kapoor ji, as showman of the millennium, rightly so for him. His magnanimity, his benevolence character, and I have the cinematic flashes of the song that you were just singing, you know, his topi song. So that was his aura, and it takes me to the famous Doha of Kabir ji. Well, thank you Ashok Tyagi sir for inviting me here. I'm so happy and glad. It's a huge pleasure to be here among you all. I'm really looking forward to Rahul sir's book launch on Raj Kapoor sir, the legend, the great Raj Kapoor sir. And once he launched it, I'm gonna go through it and maybe within this week I'll complete it. I'm very, very looking forward to read it. I love you all, be happy, and whatever the everybody is star. You all are star. Just you need to bring it out. That's it. Learn and do it. इस कार्यक्रम में न्यूज बुलेटिन भी रिलीज किया गया। इस कार्यक्रम में राज कपूर के ऊपर लिखी किताब के बारे में डायरेक्टर राहुल रवेल ने बताया कि राज कपूर से जितना कुछ सीखा है वो सब इस किताब में लिखा हुआ है। इस किताब का फर्स्ट लुक भी इस कार्यक्रम में दिखाया गया। You not just pushed me into putting together this book, but also showered me with abuses whenever I get lazy about writing it. Chintu, you are truly my champion since our childhood, from the classroom to the movie sets to the culmination of this book. My regret is that you could not read it, but I know that wherever you are cheering me on. I miss you immensely. And look forward to seeing you on the other side. This was what my belief was. इस कार्यक्रम में सिंगर अखिल सचदेव को ICMEI एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही गरिमा भंडारी को ICMEI एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। पायल घोष को ICMEI मोमेंटो से सम्मानित किया गया। I don't know, अगर आप अंदर होते आपको पता चलता है। It's a blessing seeing everybody's craze for my music और बहुत अच्छा मिला लगा मुझे इससे अवार्ड से सम्मानित किया गया। I'm super happy and I'm excited to come here again। सर 14 ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल जो आयोजन किया गया है, संदीप मारवा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मैंने पहली बार उनसे, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह और उनकी फैमिली से भी काफ़ी अच्छी तरह मेरा एक रिश्ता है, बट पहली बार ऐसे रूबरू हुआ मैं उनके साथ इंस्टीट्यूट के अंदर और कहीं ना कहीं उनमें राज कपूर साहब की एक झलक है, मुझे ऐसा फील हुआ उनके चेहरे में भी, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वेरी पॉजिटिव फॉर एवरीवन। You know, I'm from Prague, and we love really all kinds of different cultural events. So I consider this today's event very nice, very professional, and I will be definitely ready to come again, because I know a few films about Raj Kapoor. It was a wonderful experience always to see the film with him, and I would like to see more. Unfortunately, he is not more, so we have to just see the movies, but thank you very much for organizing this event. बहुत अच्छा लग रहा है, thanks to संदीप मारवा जी for inviting me here, और सब students को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इनको भी aspiration है and they are aspiring to become actor, director in their own genre, whichever the genre they are wanting to pick up, and it's great to see. When I'm seeing them, मुझे मेरी याद आ रही थी जब मैं शुरू किया था करियर, तो all the best to all the students of AFT ICMEI. I'm sure they are gonna do a great job in the future.